नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान पटवारी के बारे में। दोस्तों राजस्थान पटवारी जो कि 4200 से ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आई है, तो आपको पता होगा कि उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने का आज डेट था। दोस्तों यहाँ पर सभी वेबसाइटों ने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बात करने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, और अभी तक आपको लिंक नहीं मिला है तो कहाँ से आप लिंक पाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, तो चलिए आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पटवारी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपने कभी राजस्थान के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर पहले से आपने कभी किया है तो सिंपली आप लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर नीचे तीन ऑप्शन होंगे। सबसे पहला सिटीजन का, फिर उद्योग का और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो आपको सिंपली सिटीजन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको नीचे देख सकते हैं कई ऑप्शन, पांच ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिनके माध्यम से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला है जन आधार का, फिर इसके बाद यहां पर आधार का भी ऑप्शन है, और इसके बाद गूगल का और फेसबुक का ऑप्शन है। तो आप आधार से कर सकते हैं या अपने गूगल अकाउंट से कर सकते हो। तो अगर आप गूगल अकाउंट से करना चाहते हो तो सिंपली आपको गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपना गूगल का जो आपका ईमेल आईडी है, मेल आईडी आपको इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड इंटर कर देना है। इसके बाद जैसे आप पासवर्ड इंटर करके जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो है, चलिए मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे अपने ईमेल का पासवर्ड इंटर करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन जो मिल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, रिटर्न नहीं करना है। इस पर आपको क्लिक करके आगे पर पेज पर चले जाना, नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। तो चलिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। इस प्रकार देख सकते हैं आपका ऑलरेडी, मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो आपको इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड क्रिएट करके ओके कर देना है, और आपकी ईमेल आईडी पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके हेल्प से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली अब आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको एक एक स्टेप दिखा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड इंटर करना है, जो कि आपके ईमेल आईडी पर भेजा गया, और कैप्चा इंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा प्रोफाइल अपडेट के लिए। दोस्तों केवल न्यू यूजर के लिए यहां पर ऑप्शन आ जाएगा, जो ओल्ड यूजर है उनके लिए ऑप्शन नहीं आएगा, वो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल सारा इंटर कर देना है, प्रोफाइल बना लेनी है। यहाँ पर देख सकते हो उस डिटेल आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर एक एक करके आपको इंटर कर लेनी है, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, यहाँ पर बाकी डिटेल आप इंटर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूँ दोस्तों, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के भी जो कैंडिडेट हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपके पास योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपको इंटर कर लेना है, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है, जेंडर अपने आप सेलेक्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना इंटर कर लेना है, ईमेल आईडी ऑलरेडी इंटर है दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है, इसके बाद दोस्तों पिन कोड, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश चूज करता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार नंबर इंटर करके यहाँ नीचे अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू पेज ओपन हो। तो दोस्तों जैसे आप अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। या आप जो है अगर पहले से रजिस्टर है तो लॉग इन करने के बाद भी आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको देख सकते सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी राजस्थान के अंदर सारी सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे चले जाना है। तो यहाँ पर चलिए सबसे नीचे आपको चले जाना है। नीचे आने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिक्वायरमेंट पोर्टल का, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना होता है। कोई भी रिक्वायरमेंट जब आती है तो इसी पर क्लिक करना होता है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जितने भी रिक्वायरमेंट आई होंगी जो है राजस्थान में, यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार।
जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन पहले अप्लाई कर रखा तो यहाँ पर उसका जो है सारा डिटेल शो होता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन कोई रहती है तो यहाँ पर शो होता है। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल कर आते हैं यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। अभी देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर केवल दो फॉर्म शो हो रहे हैं जो कि अभी पुराने हैं दोस्तों, आपका ये पटवारी वाला नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आप व्यू मोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। व्यू मोड पर क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पुराने या नए आए रहते हैं यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो यहाँ चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। इस प्रकार का पेज ओपन होने के बाद यहां पर आपको ऑल रिक्वायरमेंट पर क्लिक कर देना है। तो ऑल रिक्वायरमेंट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जितने भी वैकेंसी होंगे यहां पर शो हो जाएंगे। तो देख सकते हैं अभी कोई नई वैकेंसी यहां पर शो नहीं हो रही, सारे पुराने वैकेंसी शो रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं हुआ एप्लीकेशन स्टार्ट होने का। दोस्तों यहां पर आपका ऑफिशियल अपडेट कोई नहीं निकल कर आया है। तो सारे वेबसाइटों ने अभी अपडेट कर दिया है कि फॉर्म स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन का वहां पर ऑप्शन दे दिया, लेकिन अभी आप केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी आपका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है फिलअप होना दोस्तों। तो दोस्तों जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, आज शाम तक या कल तक जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है आपको चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ में साथ कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है इधर उधर जो है भटकने की जरूरत नहीं है, बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े और सबको पता चल जाए कि अभी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता हो, डेली मैगजीन और न्यूज़पेपर की आवश्यकता हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्री में सभी प्रकार के बुक, डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।